हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नेल्स। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर हम एक बच्ची को वेंटिलेटर पर देखते हैं और इसी बीच एक आदमी आकर उसे इंजेक्शन लगाता है और फिर उसके नेल्स कट करता है। ये आदमी दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था और ये आखिर लड़की के नेल्स क्यों काट रहा है? वेल, ये कहानी का इंट्रो होता है। अब सीन कट होके पहुंचता है डीना नाम की लेडी पर, जो प्रोफेशन से एक ट्रेनर है और खुद की फिटनेस का बहुत ही ख्याल रखती है। वहीं दूसरी ओर डीना का हस्बैंड स्टीव भी इसी प्रोफेशन में है। अब हर रोज की तरह वो दोनों मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, पर आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज करा जाता है और उसकी बॉडी पर बहुत ही सारी चोटें आई थी और पूरे 3 दिन बाद वो कोमा से बाहर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके लेफ्ट हैंड और लेग पैरालाइज हो चुका है। वो पूरी तरह से टूट जाती है जानकर और उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पर यहाँ हम देखते हैं कि उसके गले में एक पाइप भी लगी है जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाती और उसी से वो सांस लेती है। स्टीव के आने पर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि हमें बस इस बात का डर है कि डेना कहीं अपनी मेमोरी ना खो दे। वेल, जब डेना आँखें खोलती है तो उसके सामने स्टीव खड़ा मिलता है और वो लकीली उसे पहचान पा रही थी। ये जानकर स्टीव बहुत खुश होता है। वो उसे स्पीकिंग डिवाइस लाके देता है जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। अब डेना सबसे पहले अपनी बेटी गेमा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो अभी स्कूल में है, पर जैसे ही उसकी छुट्टी होगी मैं उसे लेके यहाँ आ जाऊँगा, तुम घबराओ मत। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लाइट अचानक से फ्लिकर करने लग गई है, पर यह आम बात होती है। वहीं स्टीव घर चला जाता है और डेना भी सो गई थी, पर कुछ देर बाद अचानक हम कुछ आहट सुनते हैं जैसे डेना को कोई पर्दे के पीछे से देख रहा हो। वो डिवाइस पे बार बार पूछती है कि कौन है वहाँ पर, कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच सामने रखी अलमीरा का गेट ओपन होता है और फिर बंद हो जाता है। डेना को शायद ये कोई बुरा सपना लगता है जिस वजह से वो दोबारा से सो जाती है। वेल, क्रिकेट का महीना चल रहा है, इंडिया ने वर्ल्ड कप में धूम मचाई है, हर कोई छक्का मार रहा है, टीम को जिता रहा है, पर वर्ल्ड कप की बात हो और युवराज सिंह का नाम ना लिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी वो इंग्लैंड के सामने 6 छक्कों वाली पारी गली के हर बच्चे को याद है, पर उनके इस रिकॉर्ड के सामने निक्कू और ऑसी आके खड़े हो गए हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अमेजोन मिनी टीवी की नई सीरीज सिक्सर के बारे में। अब निक्कू और ऑसी कौन है ये हम आपको बता दें। दरअसल ये दोनों विजयनगर के रहने वाले एक आम नागरिक की तरह ही हैं, पर इनके अंदर भी यूवी की तरह एक क्रिकेट का जुनून है, पर स्टेट लेवल वाला। अब इन दोनों को इस सपने को और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इन्हें जीतना पड़ेगा इनके ही शहर का टूर्नामेंट, जिसकी विनिंग प्राइस है 5 लाख रुपए प्लस ट्रॉफी। अब ये पाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि शहर में 4 शेर पहले से ही मौजूद हैं, पर उदास मत होइए, इसमें हमारे निक्कू भाई भी हैं। अब ऑसी को कैसे भी करके ये टूर्नामेंट जीतना है क्योंकि उसे अब इस शहर में खुद का भौकाल मचाना है, जो सिर्फ ये टूर्नामेंट जीत कर ही कर पाएगा। वेल, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये लोग इस काम में सफल हो गए हैं, पर बस टीम बनाने से टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। अगर गेम जीतना है तो इन्हें साथ में खेलना होगा, साथ में चलना होगा, जो कि हमें इस ट्रेलर में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। बात करें निक्कू की तो वो खुद की टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेल रहा है, उसे भी बस टूर्नामेंट की होर्डिंग में खुद का चेहरा लगाना है। पर यहाँ एंट्री होती है एक टेप बॉल क्रिकेट मास्टर की, जो कि एक लड़की है, तो हो सकता है कि ये उसका लव एंगल हो और उसे सुधारने में उसकी मदद करे। वेल, मुझे लगता है कि निक्कू बिल्कुल विराट की तरह है, जो दिल में आए वही करता है, किसी की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। इस सीरीज में हम देख पाएंगे कि कैसे एक गेम को बिजनेस की तरह खेला जाता है और असली खिलाड़ी स्टेडियम में नहीं बल्कि पवेलियन में बैठे होते हैं। ऐसी धमाकेदार वेब सीरीज को बनाने के पीछे टीवीएफ प्रोडक्शन का हाथ है, जिनकी स्टोरीज और कास्टिंग का हर कोई दीवाना है। आई एम श्योर आपने एस्पिरेंट और कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज देखी होगी और शिवांकित की एक्टिंग तो कमाल की है दोस्तों, और वो वही कमाल इस सीरीज में भी करके दिखाने वाले हैं और आपका दिल जीतने वाले हैं अपने नए अंदाज में। ग्रुप पे 6 लोगों का इन आ गया है, 11 भी हो ही जाएंगे मेट, भी आई जा प्लीज। चलो, कितनी बार बोला प्लीज ना बोला कर, कमजोरों की निशानी होती है। पूरे विजयनगर में ना मुझे आउट करने वाला पैदा नहीं हुआ। हर दूसरे एपिसोड में कुछ बहुत बड़े ट्विस्ट और धमाकेदार टर्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि क्या निक्कू और ऑसी की टीम विजयनगर में अपना भौकाल बना पाएगी, या निक्कू की गलतियों की वजह से उसकी टीम को नीचे जाना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। क्या वो यूवी पाजी का सिक्सर वाला चैलेंज तोड़ पाएंगे, ये तो हमें सीरीज देखकर ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं कि ये वेब सीरीज़ आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, लेकिन कहीं पर आपको बोर नहीं करेगी।
तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि 11 नवंबर को आने वाली है अमेजॉन मिनी टीवी पर टीवीएफ की तरफ से सिक्सर। वेल, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। और अगर बात करें शिवांकित की तो उनका कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं निक्कू का, वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और पता है गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस सीरीज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं अमेजॉन मिनी टीवी पर, जो कि आपको मिल जाएगी अमेजॉन शॉपिंग ऐप पर। तो फिर इंतजार किस बात का है, जाइए और देखिए और एंजॉय करिए, और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सीरीज कैसी लगी। अब नेक्स्ट डे वो खुद से बोलती है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई है, मेरी बॉडी ही मेरी जेल बन चुकी है। थोड़ी देर में ट्रेवर, जो कि उसकी देखभाल कर रहा था, वो उसके पास आता है। तो डेना उसे बताती है कि कल रात को मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ सुनाई दिया? तो वो कहता है कि नहीं, पर डेना बार बार कहती है कि शायद अलमीरा में कुछ है। वो जाकर वहाँ चेक भी करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद ट्रेवर उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि हार्ट पेन किलर की वजह से तुम्हें शायद ये सब दिख रहा होगा। अब इसी बीच वहाँ स्टेव भी आ जाता है गेमा को लेकर। ट्रेवर उसे सलाह देता है कि अपनी वाइफ के लिए कोई बढ़िया सा साइकेट्रिस्ट ढूंढ लिए जो उसके लिए अच्छा होगा। तो स्टीव कहता है कि शायद कोई पेशेंट आ गया हो इस रूम में। तो बताता है कि इस पूरे विंग में कोई ऐसा पेशेंट है ही नहीं जो अपने बेड से उठकर चल सके। वही गेमा को देख के डेना बहुत ही खुश होती है, जिसके बाद स्टीव उसे रात के बारे में पूछता तो वो सब कुछ बताती है, लेकिन वो इस बात को अनसुना कर देता और सोचता है कि शायद उसका कोई वहम होगा। वहीं गेमा हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने लगती है। उसे थोड़ी दूर पे एक केबिन मिलता है जहाँ पे कुछ अजीब से सामान रखे हुए थे। वो उन्हें देखने के लिए वेंटिलेटर के नीचे झुकती है, पर इसी दौरान हमें वहाँ किसी और के भी पैर दिखते हैं और तभी उसे गलती से अलार्म बज जाता है और हॉस्पिटल की मैनेजर आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब एक और रात आती है और डेना फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ एक बार फिर लाइट फ्लिकर होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि डेना के सामने वाले अलमीरा से अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है, जो उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये उसका एक बुरा सपना था। और तभी वो अपने साइड में एक और आदमी को बैठे हुए देखती है और ये देखकर भी वो डर जाती है। तो बेसिकली ये आदमी होता है साइकेट्रिस्ट। उन्हें अच्छे से पता था कि डेना किस दर्द से गुजर रही है। अब डेना भी सब कुछ उसे बताती है और कहती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि जिस ट्रॉमा से तुम गुजर रही हो ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डेना बिल्कुल अकेली थी, वो स्टीव को मिस कर रही होती है, जिसके बाद वो सो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों कोई उसके करीब आता है और बिना आवाज़ किए और उसकी ऑक्सीजन पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे डेना का दम घुटना शुरू हो जाता है। लेकिन अहम मौके पर वो इमरजेंसी बटन दबा लेती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि इस हॉस्पिटल में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वेल, अब नेक्स्ट डे डेना ये सब बातें स्टीव को बताते हुए कहती है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, तुम यहाँ से कहीं और चलो, पर वो मना कर देता है क्योंकि डेना के लाइफ इंश्योरेंस में इसी लेवल का हॉस्पिटल के पैसे जमा थे। तो उसकी तसल्ली के लिए वो उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि उसके रूम में क्या हो रहा हो वो ये सब देख सके। वहीं दूसरी ओर मैनेजर ट्रेवर को बहुत डांटती है कि ऐसा कैसे हो गया, कैसा डेना की ऑक्सीजन पाइप निकल गई, पर उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। अब सीसीटीवी लगने के बाद भी कुछ खास असर नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ डेना को दिख रही थी वो सीसीटीवी में कैप्चर हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए सबको लगता है कि डेना ये सब इमेजिन कर रही है बस। अब अगले दिन उसे अपने साइड वाले केबिन से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी तरह पेशेंट हो, तो वो चुप हो जाता है और ऐसे ही वो उसे बार बार पूछती रहती है, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। पर अब यहाँ चीज़ें धीरे धीरे डेना के लिए बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार लोगों को समझा रही थी, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। और अब उसके दिमाग में सबसे पहले ये हॉस्पिटल आता है कि कहीं इसका कोई बुरा अतीत तो नहीं है। यही सोचकर वो इस बिल्डिंग के बारे में इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ एक एक करके उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो उसे चाहिए थे। उसे पता चलता है कि ये हॉस्पिटल पहले एक मेंटल असाइलम हुआ करता था, साथ में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी, जहाँ पे कुछ बच्चे आए थे अपना इलाज करने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक से 5 बच्चों की मौत हो गई और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एरिक नेल्सन नाम का आदमी ने ऐसा करा था। उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उसने 5 बच्चों को मार डाला, ये राज भी उसी के साथ चला गया और कुछ समय बाद उसने भी इस हॉस्पिटल में अपनी जान दे दी। अब ये सब देखने के बाद डेना तो दंग रह जाती है। उस दिन तो उसके साथ कुछ खास नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जो वो करती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उसने जब उस रात एरिक का नाम लिया तो किसी के हंसने की आवाज आई। हो सकता है कि ये एरिक उसे देख रहा हो। अब नेक्स्ट डे वो एरिक के बारे में ट्रेवर से पूछने की कोशिश करती है, पर उसने तो ये नाम पहली बार सुना था। वो कहता है कि तुम्हें अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूछना चाहिए, यहाँ पर वो काम करने वाले सबसे पुराने डॉक्टर है। इसके बाद वो डेना की क्लीनिंग करने लगता है, पर यहाँ वो देखता है कि उसके बैक पे किसी के नेल्स के निशान है। वो ये बात डेना को नहीं बताता, लेकिन वो समझ जाती है, जिसे वो पैनिक करने लगती है और तभी ट्रेवर उसे बेहोश करके सुला देता है। इसी दौरान उसकी नज़र अलमीरा पे पड़ती है जो खुला हुआ था, पर वो तो उसे बंद करके गया था। वो उसे बंद करने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार अपने आप ही खुल जा रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के पास, जिसे डेना एरिक के बारे में पूछती है। तो वो उसे सब कुछ बताता है और यहाँ पे इस कहानी का थोड़ा सा प्लॉट रिवील होता है। वो कहता है कि पहली बार मैं एरिक से 1972 में मिला था, और उस टाइम वो यहाँ पर काम नहीं करता था। उसे एक मेंटल पेशेंट के तौर पर लाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके केस को सीक्रेट रखा गया था। उसकी बॉडी पे बहुत सारे अब्यूज के निशान थे जो उसने खुद दिए थे अपने नेल से, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वो ठीक होता रहा। और एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। वो छोटे बच्चों की देखभाल करता था, और जब भी वो उनके नेल्स काटता तो उन्हें एक एनवलप पर रख लेता था, जिसे यहाँ का स्टाफ उसे नेल्स के नाम से बुलाने लग गया। पर कहानी तब बदल गई जब 1982 में अचानक से कई बच्चों की मौत होने लग गई। पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें एक दिन एरिक के रूम में उन्हीं मरे हुए बच्चों के नेल्स मिले, और जिसे पुलिस उसे ही सस्पेक्ट मानने लग गई, और इन सब वजहों से उसने अपनी जान दे दी। मुझे लगता है कि वो हमेशा से बेकसूर था। अब एक रात इतनी नींद की गोलियां लेने के बाद भी डेना को नींद नहीं आती। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान सामने वाली अलमीरा खुल जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जो कर रहा है वो असल में एरिक ही है, क्योंकि हम उसकी आत्मा को यहाँ पर देख पाते हैं। अब वो डेना के करीब आने लगता है, पर तभी वो अलार्म दबा देती है, जिससे ट्रेवर भागते हुए उसके पास आता है, और डेना बहुत ही घबराई हुई थी। अब ट्रेवर उसे बहुत ही मुश्किल से शांत करवाता है। अब अगले दिन जब सीसीटीवी में चेक करा जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब स्टीव को लगता है कि इन सब के पीछे ट्रेवर है और वही ये सब कर रहा है। इधर डॉक्टर मानने लगे थे कि अब डेना को शायद किसी मेंटल असाइलम में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दिमागी संतुलन अब बिगड़ने लगा है। पर इसी दौरान वहाँ गीमा भी आ जाती है। डेना उसे साइड वाले रूम में भेजती है पता करने के लिए कि शायद इस हॉस्पिटल में किसी को एरिक के बारे में कुछ पता हो। अब गेमा एक लेडी से एरिक के बारे में पूछती है, पर वो लेडी कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, जिस वजह से गेमा जाने लगती है। पर इसी दौरान वो जाग जाती है और गेमा को डरा देती है। वो भागते हुए अपने डैड के पास जाती है और सबको बुलाकर लाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो लेडी मर चुकी थी। इधर ट्रेवर को दीवारों के अंदर से बार बार कुछ आवाजें आती है, पर चेक करने पे उसे कोई नहीं मिलता। अब वो डेना के पास जाता है और उस अलमीरा को पूरी तरह से क्लोज कर देता है, लेकिन यहाँ ट्रेवर को कुछ महसूस हो रहा था। उसे भी लग रहा था कि शायद कोई चीज है जो उन दोनों को देख रही है, इसलिए वो थोड़ी देर डेना के रूम के बाहर खड़ा रहता है। वो मैनेजर से भी जाके इस बारे में बात करता है कि अलमीरा के साथ जरूर कुछ गलत है। वहीं डेना अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी, उसके हाथ हिलने लगे थे, अब वो बोल भी सकती थी। पर उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर उसे ही नेल्स क्यों दिख रहा है, औरों को क्यों नहीं। अब वो इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां उसे खुद की तरह और लोग भी दिखते हैं जिन्हें भूत वगैरह दिखते थे। एक्चुअल में दोस्तों डेना एक बार मर चुकी थी एक्सीडेंट के बाद, उसकी हार्ट बीट 2 या 3 मिनट के लिए बंद हो गई थी, पर ये करिश्मा ही है कि वो अभी भी जिंदा है और उसकी जान फिर से वापस आ गई। यही वजह है कि उसे भी मरे हुए लोग दिखते हैं। अब ये सारी बातें उसे इंटरनेट से पता चलती है। उस रात वो स्टीव को कॉल करती है, पर जब वो देखती है कि स्टीव एशली नाम की लड़की को किस कर रहा है, तब उसे और गुस्सा आता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसके साथ कुछ और भी होता है, उसकी स्क्रीन पर कोई लिख रहा होता है कि आई मिस यू, अब वो भी अपने नाखूनों से, जिसे उसे बहुत ही दर्द होता है। पर ऐसा किसने किया, अगर किया भी तो वो उसके बहुत ही करीबी है, क्योंकि दोस्तों आई मिस यू कोई क्लोज ही वाला आदमी लिख सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेवर के रूम में कुछ अनहोनी होती है, उसे क्लोजेट से कुछ आवाज़ें आती है, जिस पर वो बैट से मारने लगता है, क्योंकि वो भी अब इन सबसे परेशान हो चुका था। और तभी क्लोजेट का गेट खुल जाता है, जिसमें उसे एक फाइल मिलती है। ये उन्हीं 5 बच्चों की फाइल थी जिन्हें नेल्स ने मार डाला था, और यहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि जिन बच्चों की मौत हुई थी वो असल में 5 नहीं बल्कि 6 थे, और 6वीं एक लड़की थी जिसका नाम था डेना बेरमैन। अब वो उस फाइल को और पढ़ पाता कि तभी उसका लैपटॉप अपने आप चलने लगता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि पीछे वाली दीवार पर कोई अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने नेल्स खड़ा मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टीव पर, जहां पर वो डेना से मिलने आता है, और उसके हाथ में वही फाइल थी जो कि उसे दिखाते हुए बताता है
और कहता है कि ये सारी बातें झूठ है, इन सब का सहारा लेके ट्रेवर ये सब तुम्हारे साथ कर रहा था। पर डायना बार बार कहती है कि इसमें ट्रेवर की कोई भी गलती नहीं है, नेल्स हम सबको मार डालेगा। अब इसी बीच वहाँ एशली भी आ जाती है, जिसे देख के वो उन दोनों को बहुत सुनाती है। इसी बीच वहाँ लाइट भी चली जाती है, तो स्टीव नीचे जाता है चेक करने के लिए। अब डेना गेमा से कहती है कि तुम तो नेल्स की बातों पर यकीन करती हो ना, तो यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन वो उसे छोड़ कर नहीं जाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर मैनेजर पुलिस को फोन करती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो निशान डेना पे लगे थे वो जरूर किसी बाहर वाले का काम था। और तभी उसे फोन पर नेल्स की आवाज सुनाई देती है, जो उसके पीछे ही खड़ा था। अब वहीं नीचे स्टीव ट्रेवर को ढूंढने में लगा था, लेकिन वो उसे कहां से मिलेगा, वो भी उसी तरह से मारा गया जैसे सेम मैनेजर मारी गई थी। अभी तो दोस्तों ये शुरुआत ही, न जाने कितनी लोगों को नेल्स मारने वाला था। वहीं डेना गीमा से बार बार कहती है कि तुम चली जाओ, लेकिन वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। इसलिए डेना को मजबूरन उठना पड़ता है और गीमा उसे व्हीलचेयर पर लेकर आगे बढ़ती है और एग्जिट ढूंढने लगती है। वहीं नीचे पार्किंग में स्टीव एशली से बात करने जाता है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक ने उसे भी मार दिया है। जैसे वो गाड़ी में बैठता है, यहाँ पर दोस्तों स्टीव की भी मौत हो जाती है। इधर गीमा जैसे तैसे अपनी माँ को बचाने के लिए भाग रही थी, तभी हम देखते हैं कि कॉरिडोर में लेटा हुआ पेशेंट गीमा के हाथ पकड़ लेता है। अब वो एरिक के कंट्रोल में उसने एक एक करके हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ थे सभी को मार डाला था, और अब आखिरी शिकार उसका डेना थी। और इस हॉस्पिटल में बचे हुए अकेले आदमी के रूम तक पहुंच जाती है, जो था साइकियाट्रिस्ट। लेकिन दोस्तों तभी एरिक उन्हें भी बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, दोनों के सामने ही। अब डेना ने एक बात तो ठान ली थी कि उसे जो भी हो जाए लेकिन वो अपनी बेटी को बचा कर रहेगी, इसलिए वो गीमा को धोखे से एक रूम में बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। वो बार बार कहती है कि मॉम गेट खोलो, ये आप क्या कर रही हो। लेकिन डेना को पता था कि वो नेल से नहीं लड़ सकती, और इसीलिए उसे भागने से अच्छा है कि वो खुद उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद फिर होना क्या था, वो जिस दिन के लिए इतने सालों तक भटक रहा था वो पूरा कर देता है। उसने डेना को पहले उठाया और फिर 30 से 6 से लड़ा कर गिरा दिया, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है उसकी बेटी के सामने, और वो तड़पती रहती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और पुलिस अब आ चुकी थी। गीमा बार बार उनसे कहती है कि उसने मेरी मॉम को मार डाला, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, जैसे डेना की बातों पर नहीं करा गया था। आखिर में हम देखते हैं कि नेल्स डेना के रूम में आता है, जहां पर वो उसे कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो। नेल्स अपनी जगह शायद सही था, उसने वही किया जो उन बच्चियों ने उसे कहा था, वो उन्हें आज़ाद कर रहा था जैसे हमें साइकियाट्रिस्ट ने बताया था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसने खुद की जान ले ली। लेकिन उसने सिर्फ 5 बच्चों को आज़ाद किया था और 6वीं डेना रह गई थी, और आज ये भी उसने पूरा करके दिखा दिया, जिसके साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।